और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज मैं आपको फिर से लेकर आया हूं रियांस पोल्ट्री फार्म में, जहां पर सिमरन कंपनी का चिक्स डला हुआ है। और ये फार्मर भाई पहले सुगना के साथ में, मैंने कई वीडियो में बताया भी, सुगना के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते थे। दो साल 2021 और 2022 में सुगना के साथ में काम किया, फिर 2023 में सुगना के साथ को छोड़कर और फिर अब सिमरन के साथ में फार्मिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसे ब्रूडिंग कर रहे हैं, बिना खर्चे वाली ब्रूडिंग जो है सिमरन कंपनी में आके हमें जो है देखने को मिला, और हम उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और उससे हमें रिजल्ट भी देखने को मिला है। अब वो कैसे रिजल्ट देखने को मिला, उसके पीछे हमने किस प्रकार से काम किया, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, जो मैं दो दिन से कंटिन्यू आपको बताते हुए आ रहा हूँ। दोस्तों ये इस प्रकार से हर एक टब में लीटर को भर लिया है, बुरादे को भर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हर जितने भी टब है सभी टब में थोड़ा थोड़ा बुरादा डेली, जो भी बुरादा भरते हैं वो डेली खाली कर देते हैं और फ्रेश बुरादा भरते हैं। तो इससे बुरादा ख़राब बुरादे में मुर्गियों को बैठने में समस्या आती है। तो इसमें जब फ्रेश ही बुरादा रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है समस्या तो आएगी ही नहीं उनको बैठने में। तो दोस्तों हर एक जो पार्टीशन जहाँ पर बना रखे हैं, हर एक पार्टीशन में टब रख दिया है, और टब में जो है आप लाइट बंद कर देंगे थोड़ी देर बाद में, और उसके बाद में जब ये चिल्लाना बंद कर देंगे तो उसके बाद में जहाँ जहाँ पे वो झुंड बनाएंगे, ये देखिए यहाँ जैसे यहाँ पे झुंड बनाया है, वहाँ पे झुंड बनाया है, यहाँ पे झुंड बनाया, तो इन झुंड में से उठा के और इस टब में रख देंगे और रात भर के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ब्रूडिंग कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा बुक का भी मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा कि इस प्रकार की अगर ब्रूडिंग कर रहे हैं तो हमें फ़ायदा भी हुआ है या नहीं, या फिर क्या समस्या हमें आ रही है। दोस्तों ये है फार्म का नाम, रियांस पोल्ट्री फार्म है, और 4529 चिक्स डले हैं और 1 तारीख को डले हैं, और ये सिमरन कंपनी की बुक है। अब हम देखते हैं इसके आगे का फार्म रिकॉर्ड, क्योंकि दोस्तों किसी भी फार्म का सही रिकॉर्ड हमें जो है फार्म की बुक जो रिकॉर्ड बुक जो रहती है उसमें देखने को मिल जाता है, जिससे हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि ये फार्मर भाई का परफॉर्मेंस कैसा जा रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों इस फार्म में इस रिकॉर्ड बुक में हम अगर देखें तो टोटल 4529 चिक्स डले हैं, तो पहले दिन जो है 18 मोर्टलिटी हुई, उसके अगले दिन 22 और आज मतलब 4 तारीख को आज 19 मोर्टलिटी हुई। तो दोस्तों यह जो मोर्टलिटियाँ हैं ये लगभग जो वीक बर्ड हैं उनमें से ज़्यादातर मोर्टलिटी निकली, मतलब अगर हम फ्रेश बर्ड की अगर बात करें तो जो हेडलिंग के कारण जो मोर्टलिटी होना चाहिए वो वाली मोर्टलिटी जो है इस फार्म में नहीं हुई। तो दोस्तों आप भी अगर चाहें आपके फार्म में ब्लैक ब्रूडिंग करना, तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है बढ़िया तरीके से उनको फीडिंग करवाएं, और उसके बाद में इस प्रकार से उनका अरेंजमेंट जमा लें ब्लैक ब्रूडिंग करने का, और लाइट बंद करके, और आप जो है जब ये चिल्लाना बंद कर दे उसके बाद में जो है आप वीडियो तो बच्चों को जो है टब में भर के और ब्लैक ब्रूडिंग कर सकते हैं, जिससे आपको जो हेडलिंग से होने वाली मोर्टलिटी से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं, और दोस्तों इस ब्रूडिंग में खर्चा भी कम लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, धन्यवाद।